नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है। आपको पता ही होगा जैसे कि विज्ञान यानी साइंस, अभी तक आज तक तुम लोग साइंस को पढ़ते चले आ रहे थे, केवल एक सीधा साइंस पढ़ते थे। अब नाइन्थ से साइंस के तीन पार्ट हो जाते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। पेपर पूरा एक ही होता है, लेकिन विज्ञान के तीन पार्ट होते हैं और तीन पार्टों में ही यहाँ पर विज्ञान को पढ़ोगे। तो विज्ञान के तीन पार्टों के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आता है। इसमें से हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आज हम आपको फिजिक्स का पहला टॉपिक, बुक में तो यह टॉपिक 10 है, बुक तो पूरी आती है, उसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान सारी चीजें होती हैं। तो बुक में अगर देखा जाए तो टॉपिक 10 होगा, लेकिन यह फिजिक्स का पहला टॉपिक है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो पहला टॉपिक जो है फिजिक्स का वो गति है, गति के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे, गति के बारे में आप लोगों को पहचान कराएंगे कि गति क्या होती है। जानते भी होंगे वैसे गति कह दिया जाए या कह दिया जाए विराम क्या है, जैसे कोई वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, गति अवस्था और विराम अवस्था। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी वस्तु गति अवस्था में है, कौन सी वस्तु विराम अवस्था में है, तो बता सकते हो। सड़क पर कोई कार चल रही है तो बता दोगे यह गति अवस्था में है। क्लास में साइन बोर्ड लगा होता है या कक्षा में विद्यार्थी जो बैठे होते हैं वो सभी विराम अवस्था में होते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर तो बता सकते हैं कि गति अवस्था, कौन कौन सी वस्तुएं गति अवस्था में है और कौन कौन सी वस्तुएं विराम अवस्था में है। लेकिन कहा जाए कि इनको डिफाइन कीजिए कि गति अवस्था क्या होती है और विराम अवस्था क्या होती है, तो शायद इनको डिफाइन करना मुश्किल हो। तो यहाँ पर हम यही सब बताएंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है गति अवस्था, क्या विराम अवस्था होती है। तो गति अवस्था एग्जाम्पल में जैसे हमने बताया कि सड़क पर कार चल रही है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये सब गति अवस्था में। तो सड़क पर जो कार चल रही है तो हम देखते हैं कि कार की जो स्थिति है वह स्थिति लगातार बदलती जा रही है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे कार की स्थिति भी बदलती जा रही है। जैसे अगर हम घड़ी में टाइम देखें तो किसी भी टाइम पे अगर कोई सड़क पर कार चल रही है, जैसे मान लो हमारी घड़ी में 2 बजे हैं, जब हम कार को देख रहे हैं तो कोई अलग जगह पर होगी। थोड़ा टाइम और हम बाद देखें, मान लो 2:05 हो जाते हैं, उसके बाद देखें तो कार अलग जगह पर होगी, और कुछ समय बाद देखेंगे तो कार कुछ अलग जगह पर होगी। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है कार की स्थिति में भी धीरे धीरे वैसे ही परिवर्तन होता जा रहा है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता जाए तो उसे कहा जाता है वस्तु की गति अवस्था। और यदि जैसे कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं या मेज पर कोई पुस्तक रख दें, या जैसे मान लो ये साइन बोर्ड यहाँ पर टंगा हुआ है तो हम देख रहे हैं इस साइन बोर्ड को, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने मान लो घड़ी में कुछ टाइम है उस समय देखा तब साइन बोर्ड यहीं पे है, और कुछ समय बाद हम देख रहे हैं तब भी हमें साइन बोर्ड यहीं पर दिख रहा है। किसी भी समय बाद देखें तो इस साइन बोर्ड की स्थिति हमें यहीं पर दिखाई दे रही है। तो हम देखते हैं कि समय तो बदल रहा है लेकिन समय के साथ इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तु विराम अवस्था में है। तो यहाँ पर हम गति टॉपिक का नाम गति है, फर्स्ट टॉपिक है। तो वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, गति अवस्था और विराम अवस्था। गति अवस्था के बारे में हमने बताया, यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो तो कह सकते हैं कि वस्तु गति अवस्था में है। और स्थिति यदि समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है। जैसे एग्जाम्पल में आकाश में उड़ते पक्षी सड़क पर चलती कार या फिर और भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है, इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल देखें हम तो बता सकते हैं कक्षा में बैठे विद्यार्थी मेज पर रखी पुस्तक या फर्श पर रखी मेज, इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, ये सब विराम अवस्था के होते हैं।
तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि गति अवस्था क्या होती है और भ्रम अवस्था क्या होती है। यदि स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता जाए, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी समय अगर हम पक्षी को देख रहे हैं तो किसी समय हमने देखा पक्षी कहीं पर था आकाश में, और कुछ समय बाद देखेंगे तो पक्षी की स्थिति फिर बदल जाएगी। तो इस तरह से स्थिति में यदि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति अवस्था में होती है, और यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु भ्रम अवस्था में है। अब एक एग्जाम्पल और आता है, एक पॉइंट और आता है यहाँ पर कि क्या कोई ऐसा या कोई ऐसी कोई वस्तु हो सकती है कि जो एक ही समय पर गति अवस्था में भी हो और वह भ्रम अवस्था में भी हो। तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है कि कोई भी वस्तु एक ही समय पर गति में भी हो जाए और वह भ्रम में भी हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, इस तरह का एग्जाम्पल है कि कोई भी वस्तु गति और भ्रम दोनों में एक ही साथ एक ही समय पर हो सकती है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं के सापेक्ष। कोई भी वस्तु की गति होती है सापेक्ष देखी जाती है। जैसे हम कहें एक व्यक्ति अकेला चल रहा हो या सड़क पर एक गाड़ी अकेली दौड़ रही हो और हम कहें बताओ ये धीमी चल रही है या तेज चल रही है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि अगर कोई सड़क पर एक व्यक्ति चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, कि वह तेज चल रही है या धीमी। लेकिन अगर सड़क पर दो कारें चल रही हैं या सड़क पर दो व्यक्ति चल रहे हैं तो हम बता देंगे कि एक व्यक्ति धीमा चल रहा है या तेज। जब दो व्यक्ति चल रहे हैं तो हम बता देंगे ये व्यक्ति इसके साथ धीमा है या तेज है, या दो कार चल रही है और भी कोई गाड़ियां चल रही है तो हम बता देंगे कि ये वाली गाड़ी इसके साथ धीमी है या फिर तेज है। तो कोई भी वस्तु की गति किसी ना किसी के सापेक्ष देखी जाती है। केवल एक व्यक्ति गति करता है तो उसकी गति फिर पृथ्वी के सापेक्ष देख ली जाती है। तो कोई ना कोई वस्तु गति किसी ना किसी के सापेक्ष होती है। तो यही होता है कि एक ही वस्तु एक ही समय पर अलग अलग बिंदुओं के सापेक्ष गति और भ्रम दोनों में हो सकती है। जैसे जब हम लोग यात्रा करते हैं तो हमने देखा होगा हम बस में बैठे हों या कोई गाड़ी में बैठे हों या बाइक पर बैठे हों, तो हम लोग देखते हैं, छोटे में हम लोग सोचते थे कि अगर हम बस में बैठे हों हम लोग पेड़ पौधों को देख रहे हैं, जो बाहर पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो हम लोग देख रहे होते हैं कि हम लोग आगे की ओर जा रहे होते हैं बस से और हमें ये लगता है पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। तो जब हम लोग सोच में पड़ जाते थे कि ये पेड़ पौधे पीछे की ओर कैसे चल रहे हैं, जबकि पेड़ पौधे तो चलते नहीं है, वो तो स्थिर रहते हैं, लेकिन जब हम बस में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये पेड़ पौधे पीछे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति बस में बैठा है और वह बस चल रही हो, अगर वह व्यक्ति पेड़ पौधों को देखेगा तो उसे यह लगेगा कि ये पेड़ पौधे गति अवस्था में, ऐसा लगेगा कि ये पेड़ पौधे पीछे की ओर जा रहे हैं, ये गति अवस्था में। लेकिन अगर उसी समय बस के बाहर कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर देखेगा तो वे पेड़ पौधे उन्हें भ्रम अवस्था में लगेंगे, यानी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर पेड़ पौधे एक ही समय पर गति में भी है और भ्रम में भी है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं के सापेक्ष। बस में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष पेड़ पौधे गति अवस्था में है, लेकिन बस के बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष पेड़ पौधे विराम अवस्था में है। और भी एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ कोई आता है, मेहमान वगैरह आते हैं, जब हम उन्हें छोड़ने जाते हैं, बस से जा रहे हैं या कोई ट्रेन से जा रहा है, तो जब हम छोड़ने जाते हैं तो हम उन्हें मान लो स्टेशन पर छोड़ने गए, ट्रेन आती है, वो व्यक्ति बस में या जैसे मान लो स्टेशन पर गए तो वो ट्रेन में बैठ जाएगा। बैठने के बाद ट्रेन चलने लगेगी, जब ट्रेन चलने लगेगी तो वो व्यक्ति आगे की ओर जाने लगेगा, तो हमारे सापेक्ष तो वो व्यक्ति गति अवस्था में आ गया, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा, उसकी स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। तो हमारे सापेक्ष अगर हमने जिस व्यक्ति को ट्रेन में बैठाया तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वो गति अवस्था में आ चुका है। लेकिन अगर ट्रेन में तो क्या केवल एक व्यक्ति वही अकेला बैठा हुआ, ट्रेन में और भी व्यक्ति बैठे होंगे, अगर और भी जो व्यक्ति ट्रेन में बैठे हैं वो उस व्यक्ति को अगर देखेगा तो उसे वह भ्रम अवस्था में दिखाई देगा, वो तो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएगा तो वो तो वहीं पर दिखाई देगा, क्या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा? तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ट्रेन के अंदर और जो बैठे व्यक्ति हैं वो अगर उस व्यक्ति को देखें तो उसे यह लगेगा कि वो व्यक्ति भ्रम अवस्था में है। तो जिस व्यक्ति को ट्रेन में बैठाया गया है तो वो व्यक्ति गति अवस्था में भी है और भ्रम अवस्था में भी है। यदि ट्रेन के बाहर जो व्यक्ति खड़े हैं वो देख रहे हैं उस व्यक्ति को, तो लग रहा है कि वह गति अवस्था में, क्योंकि स्थिति में उसके धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ट्रेन के अंदर और भी जो व्यक्ति बैठे हैं वो अगर उस व्यक्ति को देख रहा होगा तो उसे उन्हें ये लगेगा कि ये व्यक्ति भ्रम अवस्था में है। तो एक ही वस्तु या व्यक्ति एक ही समय पर गति और भ्रम दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं के सापेक्ष होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने गति अवस्था और भ्रम अवस्था के बारे में अध्ययन किया।
आशा करते हैं कि आप लोगों को गति अवस्था और भ्रम अवस्था के बारे में समझ में आया होगा।